हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनिल जय। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर, एसएससी एमटीएस या ईएसआईसी एमटीएस या ईएसआईसी यूडीसी या यूपी लेखपाल, इन चारों में आपकी कौन सी जॉब बेटर है और किस जॉब को आपको ज्वाइन करना चाहिए, किस जॉब को आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है, किसके लिए ज्वाइन नहीं करना है। तो आप सभी ने सवाल पूछा हुआ है, तो इसका आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। ध्यान से और पूरा इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि सबसे पहली चीज कि आपकी हर एक जॉब जो होती है वो अपने पैरामीटर में बिल्कुल सही होती है, लेकिन आपकी क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आपका ओपिनियन मैटर करता है। अब यहाँ पे मैं आप सभी की सिचुएशन और आपके जो ओपिनियंस रहेंगे, जो आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें लेके मैं आपका हर जॉब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में आप सभी की क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर एसएससी एमटीएस ईएसआईसी एमटीएस दोनों आपके 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है, जिनकी आपकी जो सैलरी एक्सेप्टिंग बनती है वो आपकी 31,000 रुपए के आसपास आप सभी की बनती है, ठीक है। यूडीसी में आपकी जो सैलरी बनती है वो आपके एक्सेप्टिंग में आपका 45,000 तक बनती है, क्योंकि आपका ये लेवल 4 की आप सभी की पोस्ट है। लेखपाल की अगर हम बात करें, भैया आपकी 1900 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, ठीक है, वीडियो आपकी 2000 की रहती है, तो 1900 ग्रेड पे में जैसा मुझे लगता है कि सैलरी जो है वो 23,000 के समथिंग बनती होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड है, मुझे क्लियर नहीं लेखपाल का, लेकिन हमें भी इसी के अराउंड आप सभी की बनती भी होगी, ठीक है। लेकिन मैटर ये करता है कि भैया लेखपाल वाली जो जॉब है वो आपकी सिर्फ यूपी कार्डर की जॉब है। यूपी में ही आप कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हो गए, फिर आपका ट्रांसफर भी आप सभी का हो सकता है। लेकिन एसएससी एमटीएस जो है वो ऑल ओवर इंडिया की है, वहां पर भी आपके स्टेट्स आपके आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है, उसी स्टेट के अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आपका पेरेंट अपने स्टेट में ही सिलेक्शन हो गया है तो भैया एसएससी एमटीएस तो बहुत बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर आपका अपने स्टेट में ना होकर किसी दूसरे स्टेट में हुआ है तो फिर आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि भैया मुझे क्या ज्वाइन करना है। सेम ईएसआईसी एमटीएस में भी अगर आपने अपने रीजन से फॉर्म भरा तो अपने रीजन में सेलेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सेलेक्ट हो तो दूसरे रीजन के लिए आप सभी को कहीं ना कहीं इस वीडियो को अभी और आगे तक देखना होगा। ईएसआईसी यूडीसी की बात करें तो सेम ईएसआईसी यूडीसी में भी आप सभी का कहूंगा भैया सैलरी सबसे ज्यादा जो है वो ईएसआईसी यूडीसी में है। तो अगर आपने अपने रीजन में फॉर्म भरा है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, जितने भी ईएसआईसी यूडीसी के स्टूडेंट है अगर अपने रीजन में आप सभी ने फॉर्म भरा है तो भैया आप ये जो वीडियो देखिएगा ही नहीं, क्योंकि फिर आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको यहीं पर ही अपने आपको स्टॉप कर देना है, और क्योंकि होता क्या है ईएसआईसी में आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज को किसी भी एक रीजन में आपको कोई डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रांसफर भी आप सभी को ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है, ईएसआईसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग अदर रीजन में हो रही है तो आप सभी कहेंगे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी जॉब जो है वो आप सभी की बेटर है अगर आपको पोस्टिंग ईएसआईसी यूडीसी ईएसआईसी एमटीएस और एसएससी एमटीएस में अपने रीजन के बाहर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, जो लेखपाल की जो पोस्ट है वो आप सभी की यूपी लेखपाल की पोस्ट है। तो यहाँ पे यूपी के स्टूडेंट जितने भी हैं ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो भैया अगर आप किसी भी और सेम पोस्ट में अगर इसी में अगर आप सिलेक्टेड हो अदर रीजन में तो आप सभी को यूपी लेखपाल का जो एग्जाम है वो अच्छे से आप सभी ने दिया भी होगा तो आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से कहीं ना कहीं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सभी ज्वाइन जरूर करें। अब क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि लेखपाल जो है वो आपकी यूपी कार्डर की जॉब है और आपको मैंने बताया कि इजिली आपके ट्रांसफर भी आप सभी के हो जाएंगे। लेकिन आप सभी कहेंगे कि सर सैलरी का अंतर है, होता क्या है कि जब आप किसी भी अदर रीजन में अगर आप जाते हो, ठीक है, घर से दूर हो, सबसे पहली चीज 4 से 5 महीनों में आपको क्लियर हो जाता है कि घर की नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि अगर आप चाहे जितना भी कमा रहे होंगे लेकिन आपको जब आप रिटायरमेंट लोगे तो आप वापस आपको घर आना होगा, आप अपना फ्लैट वगैरह वहां नहीं खरीद पाओगे। तो इसके लिए पहले से ही आप अगर घर में हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पर रहकर आप हो सकता है कि अदर बिजनेस भी आप कर सकते हो, साथ ही आप जमीन वगैरह भी चाहो तो खरीद सकते हो। कि लेखपाल की जो पोस्टिंग होती है वो लगभग रूरल एरियाज में होती है, कुछ जगह अर्बन में भी आपकी होती है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो कर ले जाओगे घर के आसपास होने से, साथ ही अपने रिलेटिव वगैरह के आप पास में रहोगे, अपने पेरेंट्स के पास में रहोगे, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए नहीं हो सकती है। तो अगर आप अपने रीजन से बाहर कहीं जॉब कर रहे हो यूपी के स्टूडेंट तो आप यूपी लेखपाल को सबसे पहली प्रेफरेंस पे आप सभी रखो। दूसरे प्रेफरेंस पे आप सभी का ये है कि अगर आप बाहर भी हो तो आप ईएसआईसी यूडीसी को रखो, क्योंकि सैलरी ज्यादा है। तीसरी आपकी ये है कि भैया ईएसआईसी एमटीएस और एसएससी एमटीएस में हम किसको चूज करें, तो अगर एसएससी एमटीएस में आपको जो डिपार्टमेंट है वो आपको अच्छा मिल रहा है, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स आपका हो गया, सीबीआईसी हो गया, कैग हो गया, क्योंकि वहां पर प्रमोशन आप सभी, जैसे सीबीआईसी में आपके स्लो है लेकिन कैग वगैरह में और आपके सीबीडीटी में अभी भी प्रमोशन आप सभी के अच्छे हैं,
तो आप सभी एसएससी एमटीएस को चूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी अदर डिपार्टमेंट्स अगर आपको एसएससी मिलते हैं तो ईएसएससी एमटीएस उससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ईएसएससी एमटीएस में क्या होता है कि आपका एलडीसी में 1900 में पहला प्रमोशन होता है जो कि 3 से 4 साल में होता है, तो बाकी अदर डिपार्टमेंट में जब आप प्रमोट हो गए तो यहां पर आप ईएसएससी एमटीएस में जल्दी 2400 पे पहुंच सकते हो। लेकिन एसएससी एमटीएस में जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी मैं अलग से एलोबोरेट आपका वीडियो में कर दूंगा। वहां पर क्या है कि वहां पर जो डायरेक्ट प्रमोशन होता है वो आपका 2400 पे होता है और जल्दी होता है, 4 से 5 साल में आप सभी का हो जाता है। ऐसे सीबीडीटी में हमारे यहाँ जो कई सारे ऐसे एमटीएस है जो 4 से 5 साल जिनको ज्वाइन किया हो गया वो फाइनली टीए में प्रमोट हो गया, और टीए से सीनियर टीए भी बहुत जल्दी बन जाते हैं अगर आप मिनिस्ट्रियल एग्जाम पास कर लेते हो। तो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास अभी भी है, तो इस तरीके से आप चाहो तो सिलेक्शन अपना कर सकते हो, लेकिन सबका अलग ओपिनियन रहता है, तो मैंने हर एक चीज़ के बारे में एलोबोरेटली मैंने समझाया हुआ है, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जो भी डाउट्स है आप भैया शेयर करिए मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में इस कमेंट सेक्शन में, तो जितना हो सकता है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके,